हम लोग कोई भी कैंप करते हैं तो लास्ट में कैंप फायर होता है। अभी तो झारखंडी बन चुके हैं। तो हे गाइस, सुबह हो चुका है एंड अभी सुबह के 8 बज रहे हैं एंड अभी यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, देख सकते हो। ये देखिए ब्रेकफास्ट में क्या है, पूड़ी एंड मटर का सब्जी। सो ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे एंड बाय बाय कर देंगे चांडिल को। एक बार और आप व्यू देख लीजिए चांडिल डैम का। सो हम लोग बाय बाय करने वाले चांडिल डैम को यहाँ पे। तो बताइए सर, हम लोग के साथ काम करके आपको कैसा लगा? काम करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत मेहनती हो और मतलब ये जो हमारा एक महीने का जो सफ़र था वो कैसे ख़त्म हो गया मुझे पता नहीं चला। और इस दरमियान में बहुत सारी छोटी मोटी बातें होता रहा और लड़ाई झगड़ा होता रहा, मगर फाइनली जब लास्ट में जब प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तो सारी छोटी मोटी बातें लोग भूल करके ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ अच्छा था कि आप लोग भी किसी के अंदर भी कोई गिला शिकवा नहीं रहा और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी कैंप करते हैं तो लास्ट में कैंप फायर होता है। उस कैंप फायर का मतलब यही है कि आपके अंदर जो भी गिला शिकवा है, वो जो आग है, उसी के अंदर जला करके ख़त्म कर दो। यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना है, यहाँ से सिर्फ अच्छाई चीज़ लेके जाना है, बुराई चीज़ कुछ लेके जाना नहीं है। और आपका टीम, आप लोगों ने काफ़ी प्रेशर भी झेला, काफ़ी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, मगर फिर भी आप डटे रहे और हर लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना 100% एफर्ट दिया तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। अगर अगर श्रेय बोला जाए तो यहाँ पे एक आदमी का किसी का श्रेय नहीं, हर छोटा से लेकर के एक बड़ा लेवल के आदमी ने अपना 100% एफर्ट दिया। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मैंने सोचा भी नहीं था कि आप हमारे घर के हो, पड़ोसी हो, मेरा गिल्ली के हो। मैं सोचा कि अचानक इन लोग एडवेंचर केस में कैसे आ गया, मैं कंफ्यूज था। फिर धीरे धीरे पता चला नहीं, आप लोग भी नए हो, मगर ऐसा नहीं लगा कि आप लोग नए हो, मतलब लग रहा कि काफ़ी साल से, काफ़ी दिनों से इस फील्ड में हो, काम कर रहे हो। अच्छा लगा क्योंकि इसलिए क्योंकि आप लोग भी हमारी जो हम लोग का जो एडवेंचर लोग का जो रहन सहन है उसमें आप लोग घुल मिल गए हो, तो इसीलिए आपको हम लोग को ये नहीं लगा कि आप लोग भी एक अलग डिपार्टमेंट से हो। चलिए ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। थैंक यू सर। तो हे गाइस, थोड़े ही देर में हम यहाँ से जाने वाले हैं एंड यहाँ का बहुत ही याद आएगा क्योंकि लास्ट कैंप था एंड हमारा बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, तो बहुत ही याद आएगा। एंड ये देख सकते हो संयुक्ता दी अंजलि, आप लोग याद आएगा कि नहीं यहाँ का? बहुत याद आने वाला है। एंड सभी भैया लोग का भी याद आएगा, है ना? सो हम लोग अभी कुछ ही देर में निकलने वाले हैं यहाँ से। कल हम लोग बहुत रोए भी थे। और आपको संयुक्ता दी के बारे में एक बात बताते हैं, मुझे परसों ही पता चला था ये 2019 में है ना मिस झारखंड रह चुकी है, तो मुझे परसों ही जानकर बहुत अच्छा लगा, है ना? तो कैसे हो मिस झारखंड? अभी तो झारखंडी बन चुके हैं। सो और देख सकते हो सभी भैया लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। सभी को याद आएगा एक दूसरे का, है ना? सो बहुत ही सैड फील हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा, है ना? सब एक बार बोलते हैं यो, सब मिलके इधर आइए तो जल्दी जी। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। भाई मजा आया। कम बैक बी विद मी, आई जस्ट वांना बी होल्ड यू, टाइम टू से गुडबाय। सो गाइस, बस अभी हम निकलने वाले हैं, तो ये ब्लॉग लास्ट ब्लॉग था कैंप का एंड यहाँ का। तो ब्लॉग को एंड करते हैं एंड आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में एंड नेक्स्ट ब्लॉग में हम गिरिडीह में मिलेंगे। तो चलिए, ये लास्ट ब्लॉग था तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घर जाना है।